लेडीज सर होता है। जैसे कि हेडफोन जैक जो होता है वो 6 लेग का होता है और 6 लेग में ये लेग जो होता है ग्राउंड होता है, 3 नंबर लेग ग्राउंड होता है और ये लेग भी ग्राउंड होता है आगे का, पकड़ बनाने के लिए बोर्ड पे पकड़ बनाने के लिए आगे का दोनों लेग ग्राउंड होता है और ये लेग ऑडियो बी और ये सीपीयू से जुड़ा होता है और ये लेग पॉजिटिव होता है माइक का। माइक है सर, हेडफोन जैक है सर, इसमें माइक का भी वर्क होता है जब हम लगाते हैं इसमें तो माइक काम करता है कि नहीं, हेडफोन का माइक काम करता है। और ये ऑडियो बी है, ये ऑडियो ए स्टूडियो साउंड के लिए, ठीक। ऑडियो ए बी मतलब स्टीरियो साउंड के लिए, जैसे कि स्टीरियो साउंड के लिए आप देखिएगा कि 2 स्पीकर आप लगा होता है, जैसे कि 2 स्पीकर कान में लगाने वाला 2 स्पीकर होता है जी सर, तो इसमें ये आर है और ये एल, एक लेफ्ट है एक राइट, तो एक का दोनों कॉमन होता है, जैसे ये और ये कॉमन हो गया, ठीक। ये क्या है कॉमन, और ये ऑडियो ए हो जाता है, ये ऑडियो बी हो जाता है, तब ना स्टीरियो साउंड बजता है, ठीक। बारी बारी से नहीं बजता है, लगता है कि इधर से बज रहा है इधर से जा रहा है, 3D साउंड, हाँ 3D साउंड या जो भी। तो ये यहाँ से, यहाँ से कितने लेग हो गया, 1, 2 और 3 है ना, 1, 2, 3। लेकिन अब मेरे माइक का भी जरूरत है, का भी जरूरत है, यहाँ पे माइक कैसे वर्क करता है, तो ये ग्राउंड माइक का हो जाता है और ये पॉजिटिव माइक का हो जाता है, जाने में से ग्राउंड होगा सर माइक, ये ग्राउंड हो जाता है माइक का और ये पॉजिटिव माइक का हो जाता है प्लस, ठीक, जब हम इसमें लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर 2 वर्क होता है, जैसे कि हम लोग लगाते हैं तो यहाँ से एक इसमें लगाते ही ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, यहाँ हेडफोन हम लोग लगाए इसमें तो आपस में जुड़ करके सीपीयू को एक सिग्नल दे देता है, सिग्नल देता है सीपीयू को, सिग्नल 1 वोल्ट से कम, डिजिटल वोल्ट होता है जो 1 वोल्ट से कम देता है, यहाँ से 80, 60, 65 यहाँ से ये शॉर्ट होता है, ये दोनों जब हम ऐसे करके हेडफोन लगाते हैं कि ये शॉर्ट होता है सिग्नल और यहाँ से सीपीयू को सिग्नल जाता है और हेडफोन सपोर्ट हो जाता है। हेडफोन जब सपोर्ट हो जाता है तो सीपीयू के अंदर कोवा मेजरमेंट आईसी होता है, वो नीचे का मोबाइल का अपना जो माइक होता है इसको काट करके इससे जुड़ करके आपका हेडफोन का माइक और एयर पीस वर्क करने लगता है, समझ रहे कि नहीं। तो एक तरह का ये है और एक तरह का और होता है हेडफोन जैक, जैसे कि हम समझेंगे यहाँ पे बना करके हम दिखाते हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों दो चीज इसमें क्या होगा कि जब इसमें हम डालेंगे तो ये हटेगा और इसमें जब डालेंगे तो ये सटेगा, समझ रहे हो नहीं। यहाँ हम जब डालेंगे दबाव यहाँ पे पड़ेगा कि ये दोनों एक होगा और पहले से दोनों ही एक है, इसमें हम डालेंगे तो ये अलग हो जाएगा, समझ रहे। इसीलिए इसको हम अगर बात करें तो ये जो होगा सटते हुए होगा और ये हटते हुए होगा, ठीक। लेकिन हम पता करें किस मोबाइल में कौन सा हेडफोन जैक लगा हुआ है, तो हम सटा हुआ किस में है, इसमें है पहले से, ये चाइना के मोबाइल में ये लगा होता है, चाइनीज मोबाइल, चाइनीज मोबाइल जैसे बाकी, हाँ
जो कीपैड सेट होता है उसमें ये हेडफोन यूज होता है। और उसमें हम लोग अगर इसका प्रॉब्लम, अगर हेडफोन सिंबल आ रहा है आपके मोबाइल में, हेडफोन सिंबल ऐसे करके आ रहा है आपके मोबाइल में बिना लगाए हुए, तो आप ये और ये नंबर को अगर शॉर्ट कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व, ग्राउंड कर देंगे। हाँ, ग्राउंड नहीं करेंगे, ये दोनों को इधर से कर देंगे, जम्पर कर देंगे, एक तार से हम इधर से इधर हम एक जम्पर कर देंगे। जम्पर मतलब समझिए, कूद जाना, यहाँ से यहाँ एक तार को जोड़ देना। कौन सा सर, जैसे आप जैसे बोल रहे थे बिना हेडफोन में जैक लगाए वो शो कर रहा है, इधर से इधर जम्पर करेंगे तो सही हो जाएगा सर। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हेडफोन भी काम करेगा, हेडफोन भी काम करेगा। हाँ, और दिक्कत क्या होगा कि स्टूडियो साउंड से मोनो साउंड में परिवर्तन हो जाएगा। मोनो का मतलब होता है एक बार दोनों बजना, और स्टूडियो का मतलब हुआ बारी बारी से बजना। हेडफोन हम लोग लगाते हैं, एक में किशोर दा और एक में लता मंगेशकर गाता है, गाता है कि नहीं स्टूडियो साउंड में, तो दोनों यही कर देंगे, ये जम्पर कर देंगे तो हेडफोन सपोर्ट लिए हट जाएगा और स्टूडियो साउंड से मोनो साउंड में परिवर्तन हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ख़राब होगा, जो एक एंड्रॉयड मोबाइल में यूज होता है हेडफोन जैक, ये जब ख़राब होगा तो इसका बनाने का टेक्निक क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि ये तो शॉर्ट करेगा तब ऑन होता है, हेडफोन सपोर्ट करता है, तो क्या होता है कि इसमें हम लगाया और हेडफोन सपोर्ट ना करे तो हेडफोन सपोर्ट, ये जब तक ये शॉर्ट ये दोनों में सटेगा नहीं तब तक हेडफोन सपोर्ट नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, इसको वाश करेंगे सबसे पहले, इसके अंदर धूल नमी कुतिया ये सब जाने से ये खराब हो जाता है, इसको साफ कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या इसको हम लोग चेंज कर देंगे। इसमें चेंज ही करना पड़ेगा, इसमें चेंज नहीं भी करेंगे तो इसको हम इधर से इधर जम्पर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। ये सैमसंग का छोटा वाला जो सेट आता है उसमें हेडफोन सपोर्ट करता है, तो उसमें यही वाला लगा हुआ रहेगा। हाँ, यही वाला लगा हुआ, कीपैड सेट में यही लगा, जितना भी कीपैड सेट है। हाँ, कोई भी कीपैड सेट हो ये हेडफोन लगा होता है, और एंड्रॉयड सेट में ये फोन हेडफोन लगा होता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि मान लो कि ये हेडफोन सपोर्ट नहीं ले रहा है, जैक भी चेंज करने के बाद हेडफोन सपोर्ट नहीं ले रहा है सही से, तो एक काम करेंगे, बैटरी कनेक्टर देखे होंगे हम लोग, बैटरी कनेक्टर का मतलब समझे? जी सर, पीसी को हम लोग बैटरी कनेक्टर, जहाँ बैटरी कनेक्ट कर दें। हाँ सर, समझ रहे सर, बीएसआई, ये प्लस हो गया, बीएसआई में इनबिल्ट भी कर दिया है टेम्परेचर को। हाँ, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस पॉजिटिव से एक जम्पर ले करके ये जो वोल्ट आ रहा है और ये वोल्ट, जो ये वोल्ट है, ये दोनों तरफ हम इसमें से जम्पर करके हम ऐसे करके शॉर्ट करके देखेंगे तो हेडफोन सपोर्ट ऑटोमेटिक हट जाएगा और वो हम जम्पर कर देंगे, ऐसा भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। लेकिन हम देखेंगे पहले इसमें जम्पर करके इसमें सटा कर देखेंगे, इसमें जहाँ दोनों बीच में कोई एक में लगाने के बाद हेडफोन सपोर्ट चला जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सपोर्ट मतलब चला जाएगा मतलब सर? अरे मान लो कोई हेडफोन सपोर्ट, अच्छा ले बिना हेडफोन लगाई ले सर, बिना हेडफोन लगाए हुए सपोर्ट हो गया तो इसमें हम जम्पर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझे? दोनों में किसी में देखेंगे, इसको ट्रेसिंग भी करना है, इस पे मान होगा, इस पे मान होगा, इस पे मान होगा, इस पे मान होगा, ये डीप होगा, ये डीप। अगर किसी फ़ोन में हेडफोन लगाने के बाद आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, झिलझिला रहा है, तो उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? क्या होता है कि जब हम इसमें हेडफोन लगाए और आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, ठीक, तो क्या होता है कि ये स्टीरियो जो ये देखेंगे ये और इसमें हम जम्पर करेंगे तो मोनो साउंड हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांस है। लेकिन अगर इसको दोनों को जम्पर करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो हो सकता है कि लूज कनेक्शन होगा, ये दोनों शॉर्ट नहीं करा, उस टाइम में हेडफोन जैक को ही चेंज करना, ठीक। सर, अगर ओ ए और ओ बी को एक साथ जोड़ देंगे तो मोनो साउंड नहीं निकलेगा। हाँ, स्टूडियो तो नहीं निकलेगा, नहीं, उसके बाद निकलेगा कभी, कब क्या होता है एक बज रहा और एक नहीं बज रहा, हेडफोन चेंज करने के बाद हमको तो दोनों बजाना है क्या, तो दोनों बजाना है तो एक पर मान होगा और एक पर मान नहीं होगा, तो जिस पर मान है उसे हम जम्पर करते एक बार दोनों बजने लगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? यही ना हुआ कि स्टूडियो नहीं बजेगा, मोनो बजेगा, लेकिन बजेगा तो मोनो मतलब एक में, एक कान मतलब में, एक बार में दोनों, एक बार में दोनों। हाँ, स्टूडियो मतलब एक, स्टूडियो मतलब होता है बारी बारी से बजना और मोनो को मतलब होता है एक बार बजना,
समझो, जैसे कि बड़ा वाला यहाँ देखते हो गए शादी उदी में पार्टी में जो आता है वो एक बार बड़ा बड़ा बॉक्स जोड़ दिया जाता है एक तार से बजता, तो मोनो साउंड। और मोर घर में जो होम थिएटर बजाते हूँ वो क्या हुआ, स्टूडियो हुआ, 3D हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग साउंड होता है, नहीं समझ रहे कि नहीं जी सर? ये समझा कि नहीं? कोई दिक्कत समझ ठीक काट के दोस्तों।